आदाब और सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? एक बार और लग रहा है हमसे हो गई है मिस्टेक, बट इट्स ओके। आज हम लाइव आ गए हैं अपने मेन चैनल पे, दैट्स व्हाट आई फील। और हमें आना था एफएक्यू चैनल पे, है ना। ये होगी हमसे गलती, सो कोई बात नहीं। हम ऐसा करते हैं, फट से आपको चार बातें इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग के बारे में बता जाते हैं, और चार बातें बताने के बाद हम वापस चलते हैं एफएक्यू चैनल पे। कई लोग वहां बैठे होंगे बेचारे, उनका हम दिल नहीं दुखाएंगे। सो आज हमको थोड़ी सी शॉर्ट में बताएंगे और फिर आपको फिर बता देते हैं, भैया अब हमसे हो गई गलती, कोई बात नहीं, इस चैनल पे आ गए। अब दूसरे चैनल पे हमें जाना है फास्टिंग के बारे में बात करने के लिए, और फास्टिंग क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में साइंस ऑफ फास्टिंग एक पूरा सीरीज है जो आप हमारे फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल पे जाके देख सकते हो। लेकिन मेन चीज जो आप लोग जानना चाहते हो वो ये है कि क्या फास्टिंग से वेट लॉस होता है, क्या फास्टिंग के कोई साइड इफेक्ट है, या फास्टिंग का कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, यही जानना चाहते हो ना। सबका एक ही उद्देश्य है, एक ही फंडा है। तो हाँ, मैं बताई देते हैं आपको, जी हाँ, फास्टिंग से वेट लॉस होता है, बिल्कुल होता है, कोई डाउट नहीं होता है। फास्टिंग यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, चाहे फास्टिंग कर लो, और इसके ऊपर कई लोगों पे अच्छे रिसर्च भी, लेटेस्ट रिसर्च में भी ये पाया गया है, 2018 का रिसर्च है, कि बिल्कुल ओबेस लोगों जब वो फास्टिंग करते हैं, अपनी कैलरी रिड्यूस करते हैं, राइट, आपने कम कर दी फास्टिंग कर दी, आप 12 हफ्ते तक फास्टिंग कर रहे हैं, यानी 2-3 महीने फास्टिंग कर रहे हो, तो बढ़िया अच्छा 7-7 किलो तक वजन कम हुआ है, एक नॉर्मल रेंज में, एक नॉर्मल एक्चुअल फैट लॉस हुआ है 7-7 किलो तक, यानी 15 LB तक, बढ़िया से। लेकिन किंतु परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, बॉटम लाइन ये कहती है, ये रिजल्ट कैलरी रिस्ट्रिक्शन से कोई अलग रिजल्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अ सिंपल कैलरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट। इसका मतलब यह है कि उन्हीं लोगों ने जब कैलरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट करी, इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करी, सिर्फ अपने कैलरीज को कम करा, तो भी उनका इन्हीं टाइम में सेम रिजल्ट आता है। नाउ द पॉइंट इज, क्लिनिकल ट्रायल्स में यह देखा गया है, और वो बहुत सारे लोग फास्टिंग के ऊपर 50,000 बेनिफिट्स बताते हैं, 25,000 और दावे मारते हैं, 3-4 आपके मुंह पे, क्या नाम है उसका, अवार्ड्स मार देते हैं कि नोबल प्राइज मिला, ऑटोफेजी। लेट मी टेल यू दिस हियर, ऑटोफेजी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फास्टिंग ओनली, ऑटोफेजी डज नॉट ओनली हैपन ऑन फास्टिंग, एवरी सिंगल मिनट, हर मोमेंट, हर घंटा, हर सेकेंड आपके मेरे सबके शरीर में ऑटोफेजी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ऑटोफेजिंग इज रीसाइक्लिंग ऑफ प्रोटीन्स, रीसाइक्लिंग ऑफ डैमेज इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, राइट। सेल बिकम्स, जब भी कोई सेल डिप्राइव होता है एनर्जी से, चाहे वो कैलरी रिस्ट्रिक्शन से हो कि मैं रेगुलर खा रहा हूं, कम खा रहा हूं, पूरे सेल्स को मिल नहीं रहा, थोड़े को मिल रहा है, थोड़े बेचारे गरीब भूखे मर रहे हैं, उनके अंदर भी ऑटोफेजी होगा, फास्टिंग से भी ऑटोफेजी होगा। सो ऑटोफेजी हो रहा है, राइट, बट ऑटोफेजी इज नॉट समथिंग अ मिरेकल, इट वॉज नॉट गिवन, नोबल प्राइज वॉज नॉट गिवन टू योशिमी जी फ्रॉम जापान टू डिस्कवर ऑटोफेजी, नहीं, ऑटोफेजी डिस्कवर करने के लिए नहीं था उनका, ऑटोफेजी बहुत पहले से पता है सबको कि ऑटोफेजी क्या होता है, कैसे होता है, लाइपोफेजी, माइटोफेजी, ये फेजी, बहुत सारे फेजीज हैं, ठीक है। ऑटोफेजी का उन्होंने मैकेनिज्म बताया बिकॉज यीस्ट में, कि ऐसे होता है ऑटोफेजी, ये जीन्स इन्वॉल्व है, ये प्रोसेस है ऑटोफेजी का, ऐसे होता है बेकर्स यीस्ट में, और यही चीज ह्यूमन में भी ऐसी होती है, ये उन्होंने बताया। दिस इज वन स्टेप अहेड जिसपे हम ऑटोफेजी को ऑल्टर करने वाली मेडिसिंस बना पाएंगे आगे चल के, इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला, इसलिए नहीं कि उन्होंने ऑटोफेजी क्या है बताया, ठीक है। सो ऑटोफेजी पे फुल डिटेल वीडियो आएगा, आपके ज्ञान के चक्षु हम खोलेंगे, ऑटोफेजी के बारे में आपको डिटेल बताएंगे और सबके झूठ सामने लाएंगे, जो वीडियो आपने देखा ऑटोफेजी जब सब आपको समझाएंगे। मगर क्या फास्टिंग से आपके कोलेस्ट्रॉल्स कम होते हैं, LDL कम होते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, प्रिलिमिनरी रिसर्च में यह बताया गया है, यस इट मे अफेक्ट दीज ऑल थिंग्स, बट सो डज कैलरी रिस्ट्रिक्शन, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आप कम खाने लगोगे तो यह सब बेटर होगा। अब पॉइंट है कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग कैलरी रिस्ट्रिक्शन से कुछ किसी बात में बेहतर है, एक दो चीजों में बेहतर है। नंबर वन चीज कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से एडहरेंस जल्दी हो जाएगा, यू कैन फॉलो दैट इजीली, पीपल फॉलो दैट इजीली, कैलरी रिस्ट्रिक्शन
दे कैन नॉट फॉलो, बहुत मुश्किल होता है फॉलो करना. दिस इज वन एडवांटेज ऑफ इंटरमीडियंट फास्टिंग. द सेकेंड एडवांटेज ऑफ इंटरमीडियंट फास्टिंग इज इट यू डोंट हैव एडेप्टेशन. आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में, कैलोरी रिस्ट्रिक करती है, बॉडी स्लो हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, अडेप्ट कर जाती है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट, देन यू हैव टू पुश योर बॉडी. इंटरमीडियंट फास्टिंग में ये अडेप्टेशन अभी नहीं देखा जा रहा, तो ये बेटर पॉइंट है इंटरमीडियंट. गुड, वेरी गुड, बट देर आर सम साइड इफेक्ट्स. यू कैन इंक्रीज इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इंटरमीडियंट फास्टिंग कम है पर है, लिमिटेड है पर है. नंबर वन इफेक्ट, आपकी स्लीप क्वालिटी, स्लीप इंपेयर होती है, राइट, स्लीप क्वालिटी इंपेयर होती है. कैंसर पे कोई इफेक्ट? नो एविडेंस, जीरो, कोई नहीं. ऑटोफेजी कैंसर के लिए अच्छा बुरा? बिल्कुल भी नहीं अच्छा, बिल्कुल भी नहीं बुरा. वो मेरे ऑटोफेजी वाले डिटेल वाले वीडियो में बताऊंगा. कैंसर बढ़ावा भी दे सकता है, वो कैंसर कम भी कर सकता है. अगर कैंसर वाला सेल मर रहा होगा तो वो भी ऑटोफेजी करके बचेगा, कैंसर वाला सेल भी ऑटोफेजी करके अपने आप को बचाएगा. ऑटोफेजी इज जस्ट मेथड जिससे सेल अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है. वो सेल इंडिविजुअल सेल, मेरे पास खाना नहीं है, मैं क्या करूं क्या करूं, लेट्स ईट दिस, चलो मैं अपना फोन बेच के खाना ले आता हूं. आप भी करोगे, करोगे ना, जब खाना नहीं है, पैसे नहीं है, तो कुछ तो बेचोगे, घर का कुछ लाओगे. दैट्स व्हाट योर सेल इज डूइंग. अब वो कैंसर सेल है कि नॉर्मल सेल है, वो फर्क नहीं पड़ता. सो दैट्स व्हाट इज ऑटोफेजी. दैट डज नॉट मीन ऑटोफेजी इज ऑलवेज गुड, गरीबी इज ऑलवेज गुड, नो, राइट. सो साइड इफेक्ट्स ऑटोफेजी के क्या होते हैं? साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं. नंबर वन इज कंटिन्यूअस फीलिंग ऑफ हंगर, वीकनेस. ये वीकनेस होता है, फीलिंग ऑफ हंगर होता है. आपको हेडेक्स हो सकते हैं, आप फेंट हो सकते हो, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, सिवियर. लॉन्ग टर्म पीरियोडिक फास्टिंग से आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपको मैल न्यूट्रिशन हो सकता है, आपका इम्यूनिटी कम हो सकती है इंफेक्शियस डिजीजेस से. लोग उल्टा सीधा बोलते हैं आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, सब बकवास है, राइट. हार्ट डैमेज हो सकता है अगर एनिमल मोड्स में रिसर्च करी गई थी, उसमें देखा गया था देर आर पीपल हु कैन हैव दिस काइंड ऑफ इश्यू ऑल्सो, राइट. सो ये सारी चीजें हैं ऑटो फास्टिंग के ऊपर, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, राइट. बोथ आर गुड, दैट्स नॉट अ पॉइंट, लेकिन दीज आर नॉट वे ऑफ लिविंग. सो इसके ऊपर कोई भी अगर आपके सवाल है, क्षमा करिएगा, सवाल के जवाब मैं यहाँ नहीं देना चाहता, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप FAQ चैनल पे आएं. अरे यार ये तो अटक गया, अरे यार अटक गया, हेलो अटक गया.